इंदौर शहर में बारिश के मौसम के कारण कई स्थानों पर जलजमाव से प्रतिवर्ष शहरवासियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए निगम छोटी नलियां बनाकर जल निष्क्रिय का मार्ग बनाकर समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है। इंदौर में निगमायुक्त प्रतिभा पाल द्वारा जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ शहर के कई स्थानों का दौरा किया गया। इसमें तिलक नगर की निचली बस्तियों से लेकर शहर के मध्य क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिन स्थानों पर जल जमाव की स्थिति बनती है और स्थानों पर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वहां पर छोटी नालियां बनाकर जल जमाव की स्थिति को दूर किया जा सके। साथ ही जल जमाव वाले क्षेत्रों को निगम अधिकारियों द्वारा विशेष निगरानी में रखा गया है, ताकि बड़ी समस्या होने पर उन क्षेत्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। अपने यहाँ शहर की सीमा में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हर वर्ष पानी भरता है, और ये पानी जनरली तब भरता है जब बहुत तेज़ बारिश होती है और एक साथ लगातार बारिश होती रहती है, ताकि पानी जब बारिश तेज होती है तब इन जगहों पे पानी भरता है। ऐसी जगह हम लोगों ने चिन्हित की हैं। इन जगहों में ये ध्यान रखा गया है कि इनमें या तो छोटी नाली कोई बनाकर या कोई स्ट्रॉ मोटर की लाइन डालकर हम लोग जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। इसीलिए आज दो तीन प्लेसेस को विजिट भी किया। इसमें जैसे अगर हम लोग बात करें, एक वन विभाग की कॉलोनी है, उसमें बहुत पानी भरता है 11 नंबर जोन में, तो उसमें पीछे एक नाली है, उसको और क्लियर करके कच्ची नाली खोद करके व्यवस्था बनाई जा रही है। ऐसे तिलक नगर में जो पानी भरता है, वहाँ 150-200 फीट की एक स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन हम लोग ले कर रहे हैं, आज से ही काम शुरू हो जाएगा। श्री माया BRTS में और विजयनगर पे पानी भरता है, वहाँ भी हम लोग व्यवस्थाएं जमा रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि जो बारिश का पानी है, जो कि पूरे अगर हम देश भर का कोई भी शहर देखें, जब तेज़ बारिश होती है और एक साथ रेन पोर होता है, तब पानी निकलने में समय लगता है, और ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है, इसे कोई भी एकदम 100% सही नहीं कर सकता। लेकिन उद्देश्य यह है कि जो भी पानी निकासी व्यवस्था है, जिसको हम लोग जितना ज़्यादा चैनलाइज कर सकें, स्ट्रीमलाइन कर सकें, लोगों को उतनी तकलीफ कम होती है, उनके घरों में पानी भरने की समस्याएँ कम आती हैं। अभी तक कई लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि नाला ट्रैपिंग की वजह से पानी भर रहा है, जबकि ये सही बात नहीं है। इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि जो नाला ट्रैपिंग से पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है। पहले ये था कि हमारे यहाँ सारे की सारी सीवर की लाइनें नालों में खुली हुई थी, यानी कहीं भी जरा सा भी पानी भरा, लोगों ने फटाफट चैम्बर के ढक्कन खोले और पानी उन लाइन के माध्यम से नाले में चला गया, जिसमें सीवर भी जाएगा और स्ट्रॉन्ग वाटर भी जाएगा। लेकिन चूँकि अब सारी सीवर की लाइनों को ट्रैप करके STP तक छोड़ा जा रहा है, तो अब उसमें बारिश का पानी नहीं जा पाएगा, यानी बारिश का पानी या तो स्टॉर्म वाटर चैनल से निकलेगा या फिर अपना सतह से होता हुआ, जो संबंधित नाला है, नेचुरल स्लोप से होता हुआ निकलेगा। तो इसमें अब लोगों को थोड़ा, चूंकि नेचुरल स्लोप से निकलने में थोड़ा समय लगता है, तो सभी को ये लग रहा है ये नाला ट्रैपिंग की वजह से हुआ है, जबकि वास्तविक व्यवस्था यही है। हालांकि आने वाले समय में जो स्टॉर्म वाटर की लाइन है, जो लगभग हमारे पूरे शहर में 20% एरिया में है, उसको हम लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है, और आने वाले समय में फेज मैनर में हम लोग हर वर्ष उसे बढ़ाएंगे। जैसे इस वर्ष हम लोगों ने ये टारगेट रखा है कि तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास की स्टॉर्म वाटर लाइन हम लोग ले करेंगे। तो इसी तरीके से ये बढ़ते बढ़ते जब स्टॉर्म वाटर लाइन प्रॉपरली हो जाएंगी, सरफेस से पानी अच्छे से चैनलाइज होना शुरू होगा, तो ये जल भराव या जल जमाव की जो स्थिति होती है उसमें कमी आएगी। गौरतलब है कि इंदौर शहर में कुछ ही पल की तेज़ बारिश के बाद शहर के अधिकांश सड़कें पानी में डूब जाती हैं। ऐसे में अब बारिश का पानी जमा ना हो, इसके लिए निगम द्वारा तैयारी की जा रही है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।